Hello everyone, today we'll discuss about BNYS. BNYS yani Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. ये 5.5 ईयर का कोर्स है, 4.5 ईयर का थ्योरी कोर्स थ्योरी है एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप है। ये एक नेचुरोपैथिक मेडिकल कोर्स है। BNYS कोर्स इज रिकॉग्नाइज एज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BNYS कोर्स का जो अप्रूवल होता है, अप्रूविंग अथॉरिटी, वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये एक काउंसिल है जो BNYS का कोर्स, BNYS का कॉलेजेस इसको रेगुलेट करते हैं। ये जो काउंसिल है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आता है। BNYS कोर्स के लिए, नेचुरोपैथी कोर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये पुणे में है। इसमें भी कोर्स कर सकते हैं कोई स्टूडेंट कोर्स करना चाहे तो। अभी जानते हैं BNYS कोर्स का एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। BNYS कोर्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पेपर होना चाहिए 12th में एंड उसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अभी जान लेते हैं कि ये BNYS कोर्स में कोर्स कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर एक्चुअली 1.5 साल का होता है, 1.5 ईयर का 1.5 साल का होता है। और इसमें जो बुक्स पढ़ाया जाता है उसमें होता है एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर, योगा प्रैक्टिस है। सेकेंड ईयर ये 1 ईयर का डिविजन होता है और इसमें जो पेपर रहते हैं वो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, योगा फिलोसफी, बेसिक फार्माकोलॉजी, मैग्नोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। थर्ड ईयर जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का और उसमें जो बुक्स पढ़ाया जाता है वो है मैनिपुलेटिव थेरेपी, एक्यूपंक्चर, योगा एप्लीकेशंस, फास्टिंग थेरेपी, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस एंड फास्टिंग, फिजियोलॉजी एंड बेसिक साइक्रोथेरेपी, साइकोलॉजी एंड बेसिक साइक्रोथेरेपी। एंड फाइनली फोर्थ ईयर जो 1 ईयर का डिसीजन होता है उसमें जो पढ़ाया जाता है उसमें होता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, योगा थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, होलिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन एंड हर्ब्स। ये 4 साल का कोर्स पढ़ाया जाता है BNYS में, नहीं 4 साल नहीं, 4.5 ईयर यानी कि 4 ईयर 6 मंथ का कोर्स होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स वो स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है जो नेचुरोपैथिक BNYS का जो कॉलेजेस है उसमें हॉस्पिटल भी होता है, उस हॉस्पिटल में 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। अभी जान लेते हैं कि जो BNYS कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्टर होगा उन लोगों को क्या लाइसेंस चाहिए, जैसे MBBS डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लाइसेंस क्या चाहिए। यस, BNYS में भी लाइसेंस चाहिए। जो क्वालिफाइड नेचुरोपैथी डॉक्टर से जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म जो होता है काउंसिल का, जो नेचुरोपैथिक काउंसिल का जो नॉर्म से उसकी हिसाब से जो पढ़ाई किया है वो नेचुरोपैथिक काउंसिल से प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। अभी क्वेश्चन आता है इज BNYS ए डॉक्टर, यस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस ए डॉक्टर, BNYS करने के बाद डॉक्टर हो जाता है। अभी क्वेश्चन आता है इज BNYS इक्वल टू MBBS
Yes, BNY is also doctor, Grez and MBBS also doctor. Both are equal, equal rank. अभी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY उन जो फ्रेशर्स होगा उनको सैलरी कितना मिलेगा कहीं पे अगर जॉब करते हैं। BNY का जो रेंजेस ऑफ सैलरी होता है वो 32,000 से 40,000 का ये एक रेंज होता है पर मंथ फ्रेशर्स के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, कैन BNY डॉक्टर यूज इन एलोपैथी मेडिसिन। नाउ BNY डॉक्टर कैन प्रेस्क्राइब आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल एज होम्योपैथिक मेडिसिन, बट दे आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन एंड इट इज इलीगल फॉर देम टू रिकमेंडेड सो। अगेन क्वेश्चन कम्स, कैन BNY डॉक्टर डू MD इन गायनोकोलॉजी। यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY ए BNY ग्रेजुएट कैन स्टडी DGO स्टेक्सिक एंड गायनोकोलॉजी, DGO स्टेक्सिक एंड गायनोकोलॉजी, DPM एंड DCP पैथोलॉजी एक्सेट्रा कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY कर सकते हैं। जो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ BNY, BNY का फ्यूचर काफी बढ़िया है, काफी गुड है, क्योंकि आजकल जो एलोपैथी के आयुर्वेदिक ये सब मेडिसिन खा कर के लोग तंग आ गया है। लोगों को लगता है कि एक नेचुरल टाइप का कुछ ट्रीटमेंट हो जो साइड इफेक्ट नहीं होगा, उस टाइप का ट्रीटमेंट के ओर लोग आगे जा रहे हैं और इसलिए नेचुरोपैथी का जो फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ब्राइट फ्यूचर। अभी जानते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या जॉब लग सकते हैं, क्या करियर ऑप्शंस है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हो सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेंट हो सकते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। और भी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BNY वो MD कर सकते हैं, MD इन नेचुरोपैथी में कर सकते हैं, फिर MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ये सब काफ़ी सारा कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने जाना कि BNY कोर्स क्या है। BNY कोर्स एक बहुत बढ़िया कोर्स है, ये नेचुरोपैथिक डॉक्टर का कोर्स है। अगर आप लोगों को BNY करना है, आप लोगों को डॉक्टर बनना है इन नेचुरोपैथिक, तो आप लोग BNY कोर्स कर सकते हैं, करके आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें काफ़ी फ्यूचर है, काफ़ी स्कोप है आगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग BNY कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज पंडित के थ्रू, यानी कि हम लोग के थ्रू भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारा कॉलेज हम लोग के साथ टाई अप है, किसी को अगर ज़रूरत है एडमिशन का तो सीधा हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं एक से एक वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के सामने लाने की लगातार कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।